यह 100 शब्द प्रति मिनट गति। बाढ़ पीड़ित लोगों को ऐसे समय आराम पहुंचाने की अधिक आवश्यकता होती है। सहानुभूति तो हम यहाँ से प्रकट कर ही देते हैं, सहानुभूति की अपेक्षा वहाँ पर ठोस राहत कार्य किए जाने अधिक आवश्यक है। कैसी अजीब बात है कि 2 ही साल हुए जब से हमें सूखे का सामना करना पड़ रहा है। 2-3 साल से हम सूखे का सामना कर रहे हैं, अभी भी कुछ जगह सूखा है, लेकिन बहुत सी जगह उसके बजाय हमें भारी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। सूखे के समय हमने अपनी सारी शक्ति सूखे से पीड़ित लोगों के कष्टों को दूर करने में लगाई थी। हमने भरसक इस बात की कोशिश की थी कि उनके लिए राहत के काम शुरू करें और ऐसे कार्य आरंभ करें जिससे कि आगे सूखा इस तरीके से न पड़े, और पड़े भी तो लोगों के पास इसका मुकाबला करने के लिए उपयुक्त साधन मौजूद हों। मैं यहाँ चाहूँगा कि जैसे भी श्री मनु भाई ने कहा है, इस समय भी उसी तरीके से प्रयत्न किए जाएं। अभी उन माननीय सदस्य ने यहाँ पर कहा कि इससे राजनीतिक लाभ किसी को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने स्वयं अपना भाषण बिल्कुल उस दृष्टिकोण से शुरू किया। खैर, मैं और अधिक उस बारे में नहीं कहना चाहती। मैं खाली उधर हाउस का ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इसमें जरा भी राजनीति आए। इस बाढ़ के कारण देश के बहुत से लोगों पर एक भारी संकट आ पड़ा है। गुजरात और कुछ दूसरी जगहों के लोगों पर यह संकट पड़ा है, और आज हम सबको मिलकर इसे एक केवल राष्ट्रीय प्रश्न मानकर उसका मुकाबला करना है और उसे हल करना है। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जो गुजरात के बारे में यहाँ पर कहा गया कि वहाँ विरोधी दल वालों को नहीं जाने दिया गया, क्योंकि अभी तक और जगहों के बारे में चाहे कभी कभी ऐसा कुछ सुनने में आ भी जाया करता था, लेकिन खासकर गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में अभी तक यही सुनने में आया करता था कि वह सबसे हमेशा मिलकर सबसे आगे बात करके और सबका सहयोग लेकर चलते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि उनके बारे में जो यह कुछ सुनने में आया उससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इन